सर सोचती हूँ इंसान की कल और आज के बीच क्या होता है। शायद फासला, सिर्फ वक्त का नहीं, उम्मीद, सोच और एहसास का फासला। माय डैडी, ही इज द बेस्ट। उधार रखने की आदत नहीं है मुझे। कल तक मेरी माँ जिंदा थी, आज नहीं है। वो माँ जो मेरी यादों में हवा का झोंका बन के तैरती रहती है। मेरी माँ खुश थी, बहुत खुश। पापा तो यही कहते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, वो खुश थी मेरे साथ। पर मुझे इस खुशी के चेहरे पर सूखे हुए आंसू नजर आते हैं। नागिनी राठौर की बेटी देखिए। मेरी माँ को जानने वाले मेरे पापा के सिवा कुछ और भी लोग थे, और उनसे सुना हुआ सच भी कुछ और ही है। तुम्हारी माँ को गाने बजाने का शौक था। कॉन्सर्ट होते थे उनके, आपने मुझे कभी बताया नहीं। सर एक लॉकर भी है मिसेस दुआ के नाम से, जो वो अरुणिमा जी के नाम पे छोड़ गई थी। मामा को ऐसे क्यों लग रहा था कि उन्हें कुछ हो सकता है, वरना इतनी कम उम्र में कोई विल लिखता है क्या? संगीत से ज्यादा बेसुरी बातें याद रखना चाहती हो तो वही सही। फिर भी मैं सच जानना चाहती हूँ। इन्हें बीमारी हो गई है वहम की। अभी अभी मिस्टर दुआ यहाँ आए थे ना। कौन दुआ? माना कि वो गरम दिमाग है, मगर वो मॉम से प्यार क्यों नहीं करते थे? तुम्हारे पापा जैसे आदमी और तुम्हारी मॉम जैसी औरत के बीच और हो भी कह सकते। कोई मतलब नहीं है इस लड़की से। इसकी माँ के साथ जो हुआ वो होना ही था। मैं अकेला ही चला था और अकेला ही रहूंगा।